हेलो दोस्तों, राजस्थान के इस शहर में है खाना बनाने के सबसे बड़े बर्तन। एक बार में बनता है 6000 से ज़्यादा लोगों का भोजन। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर से हमें तरह तरह के अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। भारत में भी ऐसी कई अजीब चीज़ें हैं जिसके बारे में बेहद कम लोगों को उसकी जानकारी होती है। हर घर में खाना बनाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई कहाँ मौजूद है? भारत के अजमेर शरीफ दरगाह में दावा किया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई वहाँ मौजूद है। इन देगों में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर नियाज यानी प्रसादी पकवाते हैं। जयपुर यानी अजमेर शरीफ दरगाह, जिसके लिए कहा जाता है, यहाँ आज जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। यह दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यह राजस्थान का बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। यह दरगाह शरीफ में दो बड़ी बड़ी देग यानी कि भोजन बनाने के बर्तन रखे हुए हैं। इन देगों में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर नियाज यानी प्रसादी पकवाते हैं। उर्स के दौरान इन देगों में प्रसाद पकता है और वहाँ आने वाले श्रद्धालु को वितरित किया जाता है। ये काम दरगाह की खादिमों की संस्था अंजुमन की देखरेख में किया जाता है। इन देगों के लिए 3-4 साल की एडवांस बुकिंग चलती है। इन देगों में पकने वाला प्रसाद खाली शाकाहारी होता है। इसे बनाने में चावल और मैदे के अलावा जाफरान, घी, गुड़, शक्कर, सूखे मेवे और हल्दी आदि चीज़ें शामिल होती हैं। अंजुमन के अनुसार देगों में 4800 किलोग्राम और छोटी देग में 2240 किलोग्राम सामग्री पकाई जा सकती है। ये देग इतने बड़े हैं कि 6000 से ज़्यादा लोग इसमें बना भोजन कर सकते हैं। देग ऑफ अजमेर शरीफ दरगाह। दोस्तों, यह बड़ी देग मुगल बादशाहों ने की थी भेंट। अजमेर दरगाह में दो देग है। दरगाह में रखी बड़ी देग मुगल बादशाह अकबर ने ख्वाजा की शान में भेंट की थी, वहीं छोटी देग बादशाह जहांगीर ने भेंट की। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी मन्नत पूरी होने पर आगरा से अजमेर शरीफ तक पैदल आकर दरगाह पर मत्था टेका था। अकबर ने दरगाह में बुलंद दरवाजे के पास दक्षिण पश्चिम में एक बड़ी देग बनवाई। उसके समय होती है देगों की नीलामी, करोड़ों में लगती है बोली। देग में श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाया जाता है, जिसके लिए अग्रिम बुकिंग चलती है। उसके समय देगों की नीलामी में करोड़ों की बोली लगती है। इन देगों की बोली में कई खादिम शरीक होते हैं। इस नीलामी से मिलने वाली राशि से अंजुमन द्वारा लंगर चलाया जाता है, साथ ही बच्चों की तालीम और सामाजिक कार्यों में भी पैसा खर्च किया जाता है। इन दोनों देगों में साल भर पकवान बनाए जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई श्रद्धालु इन देगों में प्रसाद पकवाना चाहे तो छोटी देग के लिए 60 से 75 हज़ार रुपये और बड़ी देग के लिए लगभग 1,70,000 रुपये जमा करवाने होते हैं। दोस्तों, श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जाता है जाफरानी राइस। दरगाह में दर्शन करने वाले श्रद्धालु आते हैं जो अपनी श्रद्धा से कढ़ाई में चावल, दाल और पैसे चढ़ाते हैं। रुपये निकाले जाने के बाद कढ़ाई में मौजूद चावल दाल को निकाल लेते हैं। इसके बाद कढ़ाई में जाफरानी राइस बनाई जाती है। यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले साफ सफाई की जाती है। कहा जाता है कि यह ट्रेडिशन बादशाह अकबर के समय से 440 साल से अधिक समय से चला आ रहा है। जाफरानी राइस बनाते वक्त पानी, चावल, मैदा, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, घी मिलाया जाता है और फिर यहाँ बनकर तैयार होता है तो दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को बांट दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।